बता क्यों बंद है बता। खत्म सी पहले सानू इन्होंने मना करता सी कि बंद है दिती है असि चंडीगढ़ तो आए सी स्पेशली देखने वाला। हेलो जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सप्लोर द न्यू इन एक नई सीरीज में। दोस्तों, आज हम होशियारपुर में वन चेतना पार्क गए थे। पहले हम आपको अंदर घुमा लें, उसके बाद बताते हैं हमें एंट्री लेते समय क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। होशियारपुर में दो वन चेतना पार्क हैं, एक तो टैगोर नगर में है, दूसरा ये उन्ना रोड पे बसी पुरानी के पास है। तो आज हम जा रहे हैं उन्ना रोड पे स्थित बसी पुरानी में वन चेतना पार्क में। जब वन चेतना पार्क नया नया बना था तब इसकी एंट्री निशुल्क थी, लेकिन समय के साथ साथ इसके चार्जेस लगा दिए इन्होंने। अभी इसकी नॉर्मल आम आदमी के लिए 20 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री है, और इवन आप अंदर कार स्कूटर भी लेके जा सकते हो, उसके अलग एंट्री चार्जेस हैं। ये काफ़ी हरा भरा, अंदर काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं अंदर। इवन तो पूरे पंजाब में जो सबसे ज़्यादा ग्रीन है, ग्रीन एरिया, वो होशियारपुर ही है। सबसे ज़्यादा जंगल जो होशियारपुर में ही है पूरे पंजाब में। आप यहाँ पर फैमिली के साथ आ सकते हो, आराम से एक घंटा अच्छी तरह से पिकनिक बना सकते हो, लेकिन प्रशासन की सख्ती के कमी के कारण यहाँ पर कुछ गलत काम हो रहे हैं, जिसके बारे में आपको आगे चल के बताऊँगा मैं। प्रशासन की सख्ती के कम होने के कारण अभी यहाँ पर फैमिलीज बहुत कम आती हैं। वैसे तो होशियारपुर में इतनी कोई घूमने वाली जगह नहीं है, लेकिन आसपास कहीं भी जाना आपने हिमाचल नज़दीक पड़ता है, तो इसलिए जब ये वन चेतना पार्क बना था तो हमें लगा था चलो कुछ तो अच्छा बना होशियारपुर में जहाँ पर आदमी पिकनिक पे जा सकता है। अभी हम दोस्तों जब आए थे एंट्री के लिए टिकट लेने गए थे, तो वहाँ पर बैठे लड़के ने हमें टिकट देने के लिए मना कर दिया। उसका आंसर यह था कि मेरे पास टिकट्स ख़त्म है, लेकिन अंदर ना जाने देने का कारण कुछ और ही निकला बाद में। बता क्यों बंद है बता। बंद तू बोल रहा बंद है ना? आप ही कह रहे हो बंद है। तो टिकट दे फिर, टिकट काट। तो कड़ी टिकट है, कोई भी टिकट हो, मेरे को ही लेना देना इसमें। मेरे को ही लेना, कौन सी टिकट है? ऐसे क्यों बंद कर दिया तूने? ठीक है। हाँ बना ली। टिकट दी गई है क्योंकि इन्हां कोल 20 रुपए वाली खत्म सी। पहले सानू इन्होंने मना करता सी कि बंद है। हमारे लड़ाई झगड़े के बाद उसने हमें टिकट दी। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो उसने किसी को फोन घुमाया,
तो आप खुद देख सकते हो कि अंदर से कौन बाहर निकल रहा था। इसी कारण से अब यहाँ पर फैमिलीज कम आती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा ट्रैवल व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।